ऑलराइट सो गाइस, जितने लोग भी फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, आई हैव पिन द लिंक ऑफ अ टेलीग्राम ग्रुप, राइट? तो आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप लिंक को, ठीक है? ओह थैंक यू सो मच मोहित, थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस। ऑलराइट चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस लेट नाइट न्यूज़पेपर एनालिसिस को। लेट अस बिगिन द लेट नाइट न्यूज़पेपर एनालिसिस वी डिस्कस द हिंदू पेपर एवरी डे एट 11 o'clock। रोज रात को 11 बजे हमारा सेशन होता है जहाँ पे हम लोग हिंदू पेपर डिस्कस करते हैं। हाँ भाई, अभी धोनी माही अभी मार नहीं रहा है, 4 बॉलों पे 3 रन बनाए हैं माही। अभी देखते हैं माही मारेगा कि नहीं मारेगा, देखते हैं। ऑलराइट सो लेट नाइट न्यूज़पेपर एनालिसिस इज बीइंग प्रेजेंटेड बाय मी, दैट इज वेंकटेश। दिस इज अ लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ। आई बीन टीचिंग ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अन अकेडमी इन लास्ट 4 years नाउ एंड आई डन माय बीटेक फ्रॉम IIT पटना स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वेयर आई रिसीव्ड अ डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल। आई हैव ऑल्सो अपीयर फॉर द यूपीएससी मेन्स एग्जामिनेशन थ्राइस। तो 3 times आई हैव अपीयर फॉर द यूपीएससी मेन्स एग्जामिनेशन। यू कैन फॉलो मी ऑन अकेडमी, मुझे फॉलो कर सकते हो अकेडमी पे फॉर ऑल माई फ्री एज वेल एज पेड कोर्सेज। राइट, इज देयर एनीवन हु इज गोइंग टू जॉइन अन अकेडमी प्लस सून? नो श्रुति। So is there anyone here who wants to join an Academy Plus soon? So you can use my referral code VCSIR for getting a 10% discount on subscription. ठीक है? अगर आप चाहते हो an Academy Plus पे discount पाना, तो you can get the discount using this code VCSIR. अच्छा आकांक्षा, आप नवंबर में ज्वाइन करेगा? ओके ओके, कोई नहीं, राइट? बाय द वे गाइस, बता दे रहा हूँ, प्राइसेज आर गोना इंक्रीज बाय दिस मंथ एंड, राइट? हमको एग्जैक्ट डेट नहीं बोला गया, बट माई एस्टिमेट इज दैट दिस बाय द मंथ एंड द प्राइस विल इंक्रीज। तो अगर आप सोच रहे हो अगले मंथ भी ज्वाइन करने का, तो इट इज बेटर टू ज्वाइन नाउ। आपको सस्ते में मिल जाएगा अभी, नहीं तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो फिर आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, बाकी तो क्या ही है, ठीक है? लेट अस स्टार्ट 22nd September के आर्टिकल्स। गुड इवनिंग प्रिंसी, हाउ आर यू डूइंग, कैसी हैं आप? वेलकम। सो 8 ऑपोजिशन MPs सस्पेंडेड फ्रॉम योर RS फॉर अनरूली बिहेवियर, ठीक है? So ये आर्टिकल इज जस्ट इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द वाइस प्रेसिडेंट और द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा हैज दिस पर्टिकुलर पावर, इज दैट तेरी पावर होती है सस्पेंड करने की अनरूली बिहेवियर अगर करा जाता है, राइट? सो आपका द चेयरमैन द प्रेसाइडिंग ऑफिसर कैन सस्पेंड देम, इज दैट क्लियर? ठीक है, यस कौसाम्बी, वी आर जस्ट स्टार्टेड विद द फर्स्ट आर्टिकल। पहले आर्टिकल से हमने स्टार्ट किया है। तो दिस हैज हैपेंड इन राज्यसभा, राज्यसभा में आपका ये अनरूली बिहेवियर की वजह से सस्पेंशन हुआ है। नेक्स्ट, ये तो हमने कल भी डिस्कस किया था। सो गवर्नमेंट हैज अनवेल्ड अ 2.6% हाइक, ठीक है ना? ओके, राइट। सो अनवेल्स द 2.6% हाइक इन द वीट MSP अमिडस्ट द प्रोटेस्ट। So why is this relevant? EQ बहुत relevant है, because there have been a lot of your protests in the recent times with respect to the MSP, कि भैया MSP है कि नहीं है, MSP है कि नहीं है। तो भैया उसी में सरकार ने बोला ये लो, हमने बढ़ा करके आपको दे दिया। So prices out so early in season for the first time in a decade, ये आप समझ सकते हो why is this there? So that perception is gone, समझ पा रहे हो? इतनी जल्दी क्यों किया है? अभी तो मतलब आपका MSP का जब भी नॉर्मली जो निकालते हैं टाइम, उससे पहले निकाल दिया है, राइट? बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट देयर हैव बीन योर टॉक्स अबाउट द फैक्ट दैट आपके MSP जो है वो हाइक हो रही है, सॉरी MSP उसको रिमूव किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट का नहीं भाई, हम तो हाइक करके आपको दे रहे हैं, कहाँ रिमूव कर रहे हैं? तो दिस हैज कम एज अ वे ऑफ पैसिफिकेशन ऑफ द प्रोटेस्ट, ठीक है? तो आपका 50 rupees पर क्विंटल बढ़ा दिया गया है आपका वीट का फॉर द विंटर क्रॉप सीजन, एंड बार्ले ग्राम मसूर दाल, राइट, सैफ्लावर एंड रेप सीड एंड मस्टर्ड के लिए भी MSP हैव बीन इंक्रीज इन दी योर विंटर क्रॉप। विंटर क्रॉप को क्या कहते हैं? वॉट इज द टर्म, टेक्निकल टर्म फॉर द विंटर क्रॉप? राबी, बिल्कुल। तो इट इज द राबी क्रॉप, यस, राबी कहते हैं। एंड आप इस समय जिसका कल्टिवेशन हुआ था, दैट वॉज योर समर क्रॉप और द मॉनसून क्रॉप, दैट इज द खरीफ क्रॉप, ठीक है ना? खरीफ क्रॉप होता है आपका, जैसे राइस हो गया, वीट वगैरह आता है आपका राबी क्रॉप के अंदर। वॉट इज जायद, वॉट जायद क्रॉप क्या होता है? हाँ, धोनी, धोनी धोनी कुछ करे तो अच्छा है, धोनी शुड स्मैश आउट ऑफ द पार्क। सो यस, जायद क्रॉप इज बिटवीन द राबी एंड द खरीफ क्रॉप, जिसमें आपका जैसे आपके कुकुम्बर हो गए,
आपके वाटरमेलन हो गए, मस्क मेलन हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, राइट, दे आर देयर बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप के बीच का जो आपका समय होता है तब आता है, जो अभी निकल चुका है था, ठीक है ना। अनचेक डिजिटल मीडिया थ्रेट्स सेंटर टेल्स द सुप्रीम कोर्ट, ये हम लोग बार बार दिस थीम वी हैव बीन हियरिंग अगेन एंड अगेन, टाइम एंड अगेन हम लोग सुन रहे हैं, दैट अनचेक डिजिटल मीडिया इज केपेबल ऑफ स्प्रेडिंग वेनमस हेट्रेड टेरर एंड वायलेंस। व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या, कोई समझा सकता है? व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब ये है कि भैया जो आपका सोशल मीडिया है राइट, उसको गलत उपयोग भी किया जा सकता है, देयर कुड बी रॉन्ग यूज ऑफ द सोशल मीडिया एंड कमेंसरेटली योर हेट्रेड एंड टेरर एंड वायलेंस कैन स्प्रेड थ्रू सोशल मीडिया। एंड उसके लिए व्हाट हैज दिस सुप्रीम कोर्ट बीन आस्क्ड टू डू, सुप्रीम कोर्ट को क्या बोला गया है करने को, सुप्रीम कोर्ट हैज बेसिकली टोल्ड कि भैया आप कुछ गाइडलाइंस निकल के आइए, ब्रिंग अबाउट सम गाइडलाइंस फॉर द मीडिया एंड एज वेल एज द डिजिटल मीडिया, ठीक है ना। नेक्स्ट एडिटोरियल को हम लोग थोड़ा बाद में करते हैं, लेट अस डू द एडिटोरियल अ लिटिल लेटर, लेट अस फिनिश द आर्टिकल्स फर्स्ट। ये रहा, हाई कोर्ट इनिशिएट्स मॉनिटरिंग ऑफ केसेस अगेंस्ट एमपीज एमएलएज, तो हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका हैज ऑर्डर्ड द योर इनिशिएशन ऑफ पीआईएल पिटीशन, एक पीआईएल पिटीशन की बात करी है राइट, टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द वेरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग बिफोर द स्पेशल कोर्ट अब यू नो 2008 से जो आपके रखे हुए हैं अगेंस्ट एमपीज एमएलएज एंड एमएलसीज। अच्छा, डू यू नो दैट इस समय जो लोकसभा है राइट, जो इस समय लोकसभा है उसमें कितने परसेंटेज ऐसे लोग हैं जिनके पास क्रिमिनल केसेस हैं, हाउ मेनी ऑफ द पीपल हैव क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देम, 44%, 43-44%, यू नो 43-44% जो है आपका हैव क्रिमिनल केसेस, एंड दिस इज एन इंक्रीज फ्रॉम द लास्ट टाइम, लास्ट टाइम का जो लोकसभा था उससे इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो लोकसभा में आपका इंक्रीज हुआ है इतना परसेंटेज, एंड इसमें से हीनियस क्राइम्स कितने, एनी आइडिया, हीनियस क्राइम्स आई थिंक 29% है, ज्यादा मुझे याद है 29% has heinous crimes, भाई 30%, 29-30%, ठीक है ना, विच इज ह्यूज, बहुत ह्यूज है यार, ये हीनियस क्राइम होना बहुत बड़ी बात है, मर्डर रेप वगैरह टाइप के जो क्राइम होते हैं उनको हीनियस क्राइम्स कहते हैं। तो अब हाईकोर्ट ने ये एक अच्छा स्टेप लिया है सो दैट एमपीज एंड एमएलए के खिलाफ जो भी केस है उनको मॉनिटर हो सके और उनको एक्सपेडाइट किया जा सके, इज दैट क्लियर, तेजी से रिजोल्यूशन इज द नीड ऑफ द आवर, एक्सपेडाइट करना इज द नीड ऑफ द आवर, इज दैट क्लियर एवरीवन, ये बात सबको समझ आ रही है, यस। राइट, नेक्स्ट, रिफॉर्म्स आर द रोड टू 21st century इंडिया सेज प्राइम मिनिस्टर। सो प्राइम मिनिस्टर ने बेसिकली बोला है कि विद दीज रिफॉर्म्स, सो बेसिकली डिफेंडिंग द थ्री बिल्स व्हिच हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड, टू ऑफ देम व्हिच हैव पास्ड, तो नरेंद्र मोदी जी ने बोला है दैट द फार्म रिफॉर्म बिल इज हिस्टोरिक एंड इट इज रोड टू 21st century इंडिया विद द इन्फ्लक्स ऑफ मोर प्राइवेट कंपनीज एंड विद द इन्फ्लक्स ऑफ योर क्या कहते हैं ऑप्शन अवेलेबल to either sell the produce in the local mandis or even beyond, ठीक है ना, तीसरा ही पास हो गया होगा आज, right? So farmer जो हैं, they have now the opportunity, they have the option, ठीक है, okay, all right, they have the option and the opportunity for the local mandis and selling it also privately to your private sector. मोहित हमने कल आप absent थे लगता है, कल हमने इसे पूरा discussion किया था कि भाई क्या farmers के बिल्कुल क्या क्या चीजें उनकी point है जो genuine है, क्या क्या आपके कुछ कुछ ऐसे हैं जो मिसगाइडेड भी आपके अप्रोच के साथ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ठीक है ना, यस वी डिस्कस दैट यस्टरडे, राइट। चलिए, सो मोदी जी की बात सुनना है, मित्रों मैंने बोला है ये 21वीं शताब्दी का एक बहुत ही हिस्टोरिक बिल होने वाला है और ये हिस्टोरिक बिल के बाद जो फार्मर भाई हैं उनके पास बहुत ऑप्शन होने वाले हैं, ऑप्शन क्या होंगे, वो चाहे तो मंडी में बेच सकते हैं और हाँ जी मैं बता दे रहा हूं एमएसपी को हम बढ़ा रहे हैं, एमएसपी को खत्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, तो मोदी जी इस आवाज में आपके बोलेंगे कि एमएसपी हमने आईपीएल स्कोर 166/5 इन 17.2 ओवर्स, डुप्लेसी इज हिटिंग, रिक्वायरमेंट इज 51 रन इन 3 ओवर्स, I think it is achievable, but Dhoni will have to pitch in. चलिए, right? हाँ, अब हम बात करते हैं जो farmers जो हैं ये सब, हाँ, अब आपका where is it? एक second, where is it? बाकी
पार्लियामेंट पासेस इंसॉल्वेंसी इन बैंकरप्सी कोड. यार ये क्यों, व्हाट इज, वैसे बाय द वे व्हाट इज इंसॉल्वेंसी इन बैंकरप्सी कोड, ये है क्या, आईबीसी होता क्या है, व्हाट इज इंसॉल्वेंसी इन बैंकरप्सी कोड. अच्छा शिवानी वर्क एंड इंसॉल्वेंट बैंकरप्सी कोड, क्या बात है यार, वेरी नाइस वेरी नाइस. सो बेसिकली दिस इज अ आपका क्यूमुलेटिव लॉस का एक क्यूमुलेटिव यू नो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्यूमुलेटिव एग्रीगेशन ऑफ द वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन एंड एंड द एक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू योर रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स. ठीक है, तो स्ट्रेस्ड एसेट एंड जो बैंकरप्सी है और जो आपकी इंसॉल्वेंसी है, जब किसी के पास पैसा नहीं होता अकाउंट में या आपके कोई डिफॉल्ट कर जाता है लोन रीपेमेंट, तो आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड कैन बी यूटिलाइज्ड. इज दैट क्लियर, ये बात सब क्लियर हो गई. ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड बिल जो है उसको पार्लियामेंट ने अमेंड किया है. द अमेंडमेंट हैज बेसिकली अलाउड व्हाट, अमेंडमेंट हैज प्रोवाइडेड दैट जो भी डिफॉल्टिंग कंपनीज हैं उनके अगेंस्ट अगले 6 महीने के लिए आपके नहीं चल पाएंगे. ठीक है, तो अगले 6 महीने के लिए आपके इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स नहीं चल पाएंगे. व्हाई, व्हाई डू यू थिंक सो, व्हाई डू यू थिंक दैट इंसॉल्वेंसी एंड बिकॉज ऑफ द कोविड क्राइसिस. कोविड क्राइसिस इज द मेन रीजन फॉर द सेम, इट कोविड क्राइसिस है आपका इसका कारण. एंड कोविड क्राइसिस जो है उसकी वजह से दे हैव बेसिकली नाउ डन दिस, ताकि जो जो कंपनीज है वो एकदम बैंक करप्ट होकर फिर बैठ ना जाए, बंद ना हो जाए. एंड इकॉनमी इस समय लो पे चल रही है, तो इकोनॉमी इस समय जो लो पे चल रही है उसमें आपका 6 months का इसमें डिले करने की जरूरत थी. ठीक है ना. अच्छा ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन इंसॉल्वेंसी इन बैंकरप्सी कोड बेसिकली क्या होता है. लेट मी एक्सप्लेन, देयर आर टू एस्पेक्ट्स टू इट. बड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूँ आपको. से इंसॉल्वेंसी इन बैंकरप्सी कोड में अगर कोई इंडिविजुअल आपका लोन ना दे पाए, इज दैट क्लियर, लोन ना दे पाए या फिर बैंकरप्ट हो जाए, ओके, तो देन उसके खिलाफ आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स कैन स्टार्ट. एंड एक आपका सीओसी, योर कमिटी ऑन क्रेडिटर्स बैठती है जो डिसाइड करती है कि भैया उसके लोन के साथ करना क्या है आगे. एंड अगर वो डिसाइड होकर के रिजॉल्व हो गया तो अच्छी बात है, अगर रिजॉल्व नहीं हुआ तो फिर आपका केस चलता है डीआरटी के अंदर. ठीक है, योर डीआरटी डेट आपके रेजोल्यूशन ट्रिब्यूनल के अंदर. वेयर एज फॉर द कंपनीज, कंपनीज के लिए या आपके लोन्स आ गए या आपके अगर बैंकरप्सी हो गई, तो देन इट गोज टू एनसीएलटी. इज दैट क्लियर, राइट. सो इंडिविजुअल्स के लिए इट गोज टू द डीआरटी एंड कंपनीज के लिए इट गोज टू द एनसीएलटी. ठीक है ना, नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल. तो दे आर दीज टू ट्रिब्यूनल्स. ठीक है ना, राइट. एंड आपके, हाँ ऑब्वियसली ऑब्वियसली, ठीक है ना. सो ये आपका, दिस इज द वे हाउ दे प्रोसीड. एंड दे एंश्योर दैट रीपेमेंट हो सके एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके रीपेमेंट करने के लिए ये किया जाता है. तो अब उसमें डिले कर दिया गया, दैट इज द मेन थिंग व्हिच दे हैव डन. ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया चाइना बिगिन सिक्स राउंड. बात पे बात करे जाएंगे, बात पे बात करते जा रहे, बात पे बात करते जा रहे, बात पे. ओके, कैन नॉट मीट चाइना हाफ वे इन डिसएंगेजमेंट, हैव टू मेंटेन टू सर सिक्योरिटी सेफ सोर्स. तो इंडिया कैन नॉट मीट चाइना हाफ वे इन द डिसएंगेजमेंट प्रोसेस एंड हैज टू मेंटेन ट्रूथ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द टेरिटरी ऑफिशियल सोर्स सेड. ठीक है, तारीख पे तारीख बात, टॉक पे टॉक, तारीख से टी, टी पे टी, तारीख पे तारीख से वो टॉक पे टॉक हो गया. ठीक है, राइट, टॉक पे टॉक चले आ रहे. नेक्स्ट, योर पाक एक्शन ऑन 2611 अंडर स्कैनर. व्हाट इज 2611? आई होप ये तो पता है आप लोगों को. हाँ, मुंबई अटैक्स, मुंबई अटैक. ठीक है, तो पाकिस्तान असिस्टेड एंड पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ये अटैक है आपका, मुंबई अटैक, राइट. एंड इसमें आपका एफएटीएफ ने रिव्यू किया है ग्रे लिस्ट स्टेटस, राइट. एफएटीएफ ने रिव्यू किया है ग्रे लिस्ट स्टेटस. व्हाट इज एफएटीएफ, व्हाट इज एफएटीएफ? एफएटीएफ इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. अंडर दिस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स दे बेसिकली एंश्योर दैट मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के पैसा ना आपका यूज हो. ठीक है ना. सो अभी क्या है, पाकिस्तान हैज बीन यूजिंग मनी फॉर स्पॉन्सरिंग टेररिज्म, राइट. एंड उसके लिए एंड ऑल्सो फॉर मनी लॉन्ड्रिंग.
तो उसको सेफगार्ड करने के लिए एफएटीएफ की जो अभी क्या है, बहुत समय से बात चल रही है कि ब्लैकलिस्ट किया जाए पाकिस्तान को फ्रॉम द ग्रे लिस्ट व्हिच इट ऑलरेडी इज देयर, ठीक है ना। ओके तो अभी ग्रे लिस्ट में है, ब्लैकलिस्ट हुआ नहीं है, तो रिव्यू के लिए जो बात चल रही है। अब इसमें क्या है, इस्लामाबाद जो है वो अपना 26/11 अटैकर के खिलाफ आपके कुछ कुछ एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं एटलीस्ट, ठीक है। एंड उसको अब स्क्रूटनाइज किया जाएगा, इट विल बी स्क्रूटनाइज बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ द 27 पॉइंट एक्शन लिस्ट विच हैज बीन हैंडेड टू इट। इज दैट क्लियर? ओके व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? रिक्वायरमेंट कोई ऐसा, देर इज नो पर्टिकुलर, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मतलब रिक्वायरमेंट इज ऑफ अ सॉर्ट ऑफ यू नो क्या, कि आपका क्या कहते हैं, कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होता है, मन मर्जी होती है, मन मर्जी होती है। बेसिकली बोला गया कि भाई आप 27 पॉइंट जो हमने दिए उनको फुलफिल कर दो तो हम आपको नहीं करेंगे ब्लैकलिस्ट, अगर हमने 27 पॉइंट नहीं कर पाए तो हम आपको ब्लैकलिस्ट कर देंगे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ओके सो ये है आपका। तो आपको पता है 27 पॉइंट्स में से कितने पॉइंट्स आपका पाकिस्तान ऑलरेडी कर चुका है अपेरेंटली, उसने जो डिक्लेयर किया कि भाई हमने इतने पॉइंट्स को कर दिए, 14 पॉइंट्स, 14 पॉइंट्स दे हैव डन, ठीक है। राइट एंड दिस इज देयर एंड एंड हाँ, अब क्या है आपका, इसमें चाइना जो है वो सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को, इज दैट क्लियर? ओके तो आपका चाइना जो है वो सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को एंड दैट इज अ आपका सोर्स ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया। चाइना क्यों सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को, बताओ भाई क्यों सपोर्ट करता है आपका चाइना पाकिस्तान को? भाई ये तो मतलब ऐसी बात कर दी आपने कि वाई डज हाँ सीपैक है, बहुत कुछ चीजें, ठीक है, बिकॉज इंडिया के एनिमी है, सिंपल सी बात, ठीक है ना, इंडिया को प्रेशर करने के लिए है एंड दे हैव बीन आर्क एनिमीज, दोनों अगेंस्ट है इंडिया के, करेक्ट करेक्ट, ठीक है ना। तो ये है आपका लॉजिक, इज दैट क्लियर? ठीक है ना। ओके चलिए तो ये है आपका। अब इसके अंदर स्कैनर पे आ गया। नेक्स्ट इज कलेक्टिंग डेटा ऑन माइग्रेंट्स वर्कर्स फ्रॉम द स्टेट। सो गवर्नमेंट हैज बेसिकली मेंशन दैट जो 1 करोड़ वर्कर्स रिटर्न किए स्टेट्स में, तो द लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री हैज नाउ बेसिकली मेंशन दैट आपका 1.04 जो करोड़ वर्कर्स हैं, राइट, एंड दे हैव रिटर्न टू द होम स्टेट आफ्टर द पेंडेमिक एंड द लॉकडाउन, एंड अब उनसे डेटा कलेक्ट किया जा रहा है कि भैया कितने लोग थे, कितने डेथ्स हो गए एंड थिंग्स लाइक दैट, इज दैट क्लियर? तो कितने लोग एग्जैक्ट आए इसको एक बार अब फिर से ये लोग चेक करें सो दैट दे कैन एस्टिमेट द नंबर ऑफ यू नो द पीपल हु आर द माइग्रेंट्स एंड डेथ्स वगैरह। ऊपर क्वेश्चन हुआ था ना, क्योंकि देयर वाज अ क्वेश्चन अबाउट दैट डेथ्स हुई कि नहीं हुई वगैरह, ठीक है। थैंक यू रावत, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट, ओके, सुप्रीम कोर्ट अर्जेस गवर्नमेंट टू सपोर्ट सेक्स वर्कर्स। सुप्रीम कोर्ट हैज बेसिकली डिमांडेड द स्टेट सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स टू मेक इमीडिएट प्रोविजंस फॉर द मॉनेटरी सस्टेनेंस supply of food and basic amenities to sex workers, right? Because of the COVID crisis, the sex worker industry is basically and is gone for a toss, and the Supreme Court has therefore demanded the government to provide compensation for them on the humanitarian grounds. Is that clear? Okay. Acha, by the way, guys, is prostitution illegal in India? Yes. It's not illegal. It is not illegal. Yaad rakhiyega. Theek hai na? Okay. Being a middleman of prostitutes is illegal, but voluntarily being a prostitute is not illegal, but it is also not regulated. It's not regulated also. And बहुत आपका ये बात होती रहती है, there are two schools of thought. एक school of thought होता है कि उसको ban कर दो, they should be because on it is immoral and things like that. आपका ban कर देना चाहिए. This is one school of thought. The other school of thought is that it should be आपका it should be your क्या कहते हैं regulated. It should be regulated. Is that clear? It should be regulated. All right. Princi, it is legal on the basis of your right of occupation. Right of occupation ke basis pe, fundamental right ke basis pe, usko abhi tak illegal nahi ghoshit kiya gaya hai. It's so this is the funda. ठीक है, चलो धोनी ने एक छक्का तो मारा कम से कम, but it's far too late. All right. Which actress Shivani?
हाँ क्या फायदा। नहीं शिवानी तो मैं कह रहा ना, पिंपिंग इज इलीगल, पिंपिंग पिंपिंग इज इलीगल, जिसमें मिडिल मैन बनता है कोई, हु सेल अदर पीपल, हु बिकम्स द पर्सन हु यू नो उनको कहते हैं आपको, जो वो इलीगल है, इज दैट क्लियर? बट बीइंग अ प्रोस्टिट्यूट इज नॉट इलीगल, ठीक है ना, बिकॉज दैट क्लासिफाइड अंडर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आ जाता है। बिल्कुल, अगर कोई और करे आपके बिहाफ पे तो डेट बिकम्स योर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है। और ये आपको अब इसके लिए दे हैव बेसिकली डिमांडेड कि आपके जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला है कि भाई जो गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करना चाहिए आपके सेक्स वर्कर्स को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट इज अनचेक डिजिटल मीडिया थ्रेट। नहीं रुद्राक्ष शिवानी ने बोला था कि शायद कोई एक्ट्रेस है जिनको अरेस्ट किया गया था, आई डोंट नो कौन से केस की बात कर रही है वो, आई हैव नॉट, ठीक है ना। चलिए अनचेक डिजिटल मीडिया थ्रेट से सेंटर, ये तो रिपीटेशन है, वी हैव डन दिस ऑलरेडी। दिस वन, चाइना ने बोला है सपोर्ट फॉर ताइवान इंडिपेंडेंस डूम्ड टू फेल। व्हाई हैज चाइना सेट सो, व्हाई हैज चाइना सेट सो, चाइना ने ऐसा क्यों बोला है? धोनी का बॉल रोड पे चला गया, अरे बाप रे, हाँ तो रोड पे मार दिया धोनी ने बॉल, भाई पहले मारना चाहिए था यार। हाँ बिकॉज आपका चाइना डज नॉट वॉन्ट एन इंडिपेंडेंट ताइवान, चाइना का आइडिया नहीं है कि भाई ताइवान शुड बी इंडिपेंडेंट, ठीक है। चाइना तीसरा छक्का, चाइना बिलीव इन द आइडिया ऑफ आपका दैट ताइवान इज अ पार्ट ऑफ चाइना इटसेल्फ। ये मैं इसका आपको हिस्ट्री बता चुका हूँ, क्विकली अगर रिकैप दूं, आपके एक चियांगकाई शेख थे, चियांगकाई शेख थे और एक कोमिंग तांग, ठीक है ना, ओके आपका कोमिंग तांग थे, एंड यू नो कोमिंग तांग जो थे वो उनको भगाया गया था बाय दी कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है ना, ओके कम्युनिस्ट पार्टी ने भगाया था कोमिंग तांग को, विच वॉज दी ऑपोजिशन, वो जाकर के ताइवान में सेटल हो गए थे एंड दे एस्टैब्लिश देमसेल्व्स एज दी रियल चाइना। तो दोनों बोलते थे हम चाइना है, हम चाइना है, हम चाइना है, हम चाइना है, राइट। चियांगकाई शेख, चियांगकाई शेख द लीडर ऑफ केएमटी, कोमिंगतांग, कोमिंगतांग के लीडर थे आपके चियांगकाई शेख, ठीक है। तो ये था आपका, एंड सो चाइना इज देयरफॉर ऑलवेज सिंस देन हैज बीन बेसिकली सेइंग दैट ताइवान इज नॉट नॉट अ कंट्री, इट्स अ पार्ट ऑफ आपका चाइना इटसेल्फ। नेक्स्ट, ये बड़ा, दिस इज अ बिग सोर्स ऑफ कंसर्न, ठीक है, ओके। हंड्रेड्स ऑफ व्हेल्स स्ट्रैंडेड इन योर ऑस्ट्रेलिया, हंड्रेड्स ऑफ व्हेल्स स्ट्रैंडेड इन योर ऑस्ट्रेलिया, ओके। तो हंड्रेड ऑफ व्हेल्स आर स्ट्रैंडेड इन ऑस्ट्रेलिया। डू यू नो व्हाट इज अ इंटरनेशनल व्हेलिंग ऑर्गेनाइजेशन, आर यू अवेयर ऑफ दैट? इंटरनेशनल व्हेलिंग ऑर्गेनाइजेशन, पता है आप लोग को, ओके। सो विच वन ऑफ दिच कौन सी, सो वॉट इज दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑल अबाउट? अच्छा नहीं पता आपको, सो देयर इज दिस ऑर्गेनाइजेशन बाय द नेम ऑफ इंटरनेशनल व्हेलिंग ऑर्गेनाइजेशन। सो इज व्हेलिंग प्रमोटेड? क्या व्हेलिंग अच्छी चीज होती है? व्हेल को किल करना, व्हेल को पकड़ना, इज दिस गुड? नो, दिस एक्चुअली नॉट गुड, बिकॉज इट इज एन यू नो वेरी रेयर स्पीशी नाउ, राइट। बट इज इट प्रैक्टिस, इज व्हेलिंग प्रैक्टिस? क्या व्हेलिंग प्रैक्टिस होती है? व्हेलिंग इज स्टिल स्टिल प्रैक्टिस्ड। बहुत सारी कंट्रीज हैं जैसे आपकी जापान हो गए, जैसे आपके नॉर्वे हो गया, आइसलैंड हो गया, रशिया हो गया, ये वेलिंग करते हैं, दे आर ट्रेडिशनली बीइंग डूइंग वेलिंग, तो अभी भी वेलिंग करना चाहते हैं। तो अब इंटरनेशनल वेलिंग ऑर्गेनाइजेशन ने मॉरिटोरियम लगाया था वेलिंग के ऊपर, मतलब टेम्पररी बैन काइंड ऑफ थिंग, सिंस अ लॉट ऑफ इयर्स, काफी समय से किया था, ठीक है। बट वो एक कोटा देता था, इट यूज टू गिव अ कोटा, समझ रहे हो, कोटा, हर साल का कोटा होता था कि भाई ये कंट्री इतना वेलिंग कर सकता है, ये कंट्री इतना वेलिंग कर सकता है, ठीक है। तो दिस इज वॉट दे डू, दे गिव अ कोटा एवरी ईयर, भैया आइसलैंड इतना वेलिंग कर लो, इतने मार सकते हो, इतने मार सकते हो, इस टाइप से, ठीक है। सो दैट उन लोग के भी ट्रेडिशनल जो वो है प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू रहे और वेल को भी प्रोटेक्ट कर सके, तो मिडिल ग्राउंड आने की कोशिश की। रिसेंटली व्हाट हैपेंड, रिसेंटली तो क्या 2 साल हो चुके हैं, 2 ईयर्स बैक, दिस आई डोंट नो इफ यू गाइस नो दिस और नॉट, वन ऑफ द कंट्रीज विड्रू फ्रॉम द इंटरनेशनल वेलिंग ऑर्गेनाइजेशन। विच कंट्री विड्रू? जिसने बोला भाई हम नहीं सुनेंगे इनकी, हमको तो वेलिंग करनी है, नहीं आइसलैंड नहीं था, आई थिंक इट वॉज जापान, जापान अमित, जापान विड्रू, ठीक ना, आपके जापान ने विड्रू किया कि भैया हमको तो और वेलिंग करने, हमें टारगेट कम लग रहे हैं, जो हमें कोटा दिया गया है कम मिल रहे हैं, ठीक है ना, राइट। विच फैक्टर? यार ये पता नहीं अभिषेक, नो क्लू, एंड रेलिवेंट भी नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला आपसे कि व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर डिटरमाइनिंग कोटा, इतना ही पता होना बहुत है कि भाई कोटा होता है, ठीक है ना, ओके।
इतना डिटेल में आपसे कोई क्या कहते हैं यूनियन पब्लिक वेलिंग कमीशन के एग्जाम नहीं होने वाला है, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम हो रहा है, तो इतना ज्यादा डिटेल में मत घुस जाइए। जैसे आपके मृणाल सर बोलते हैं, ठीक है, मृणाल सर क्या बोलते हैं, थोड़ा पढ़ो आगे बढ़ो, तो इनकी बात बिल्कुल सही है, थोड़ा पढ़ो आगे बढ़ो, इतना ज्यादा घुस मत जाओ कि पीएचडी करने लग जाओ, ठीक है। चलिए राइट। तो अच्छा, बाय द वे, मास विलिंग स्टैंड जो हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, दिस इज ऑफन डन इन अ तास्मीनिया। ये तास्मीनिया कहाँ पे है, किसी को आइडिया है, वेर इज तास्मीनिया? नहीं, ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे ये पता है आपको? ये जो एक छोटा सा एक आइलैंड है, दिस इज द तास्मीनियन सी एंड ये है तास्मीनिया। ये ऑस्ट्रेलिया अगर है तो ये तास्मीनिया है, एंड यहाँ पे आपको न्यूजीलैंड मिलेगा, ठीक है। तास्मीनिया से आप लोग याद रखोगे, रिकी पॉन्टिंग इज फ्रॉम तास्मीनिया, ठीक है ना, रिकी पॉन्टिंग इज फ्रॉम तास्मीनिया, अब याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है ना। रिकी पॉन्टिंग जो है वो तास्मीनिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। चलिए, सो दिस इज दी हंड्रेड ऑफ वेल्स स्टैंड, दिस इज ये बहुत बड़ी हंड्रेड, समझ रहे हो, हंड्रेड ऑफ वेल्स, माई गॉड, हंड्रेड ऑफ वेल्स, माई गॉड। तो दे हैव बीन स्टक ऑन द सैंड बार। वॉट इज द सैंड बार, वॉट इज सैंड बार, किसी को पता है सैंड बार क्या है? वॉट इज एग्जैक्टली सैंड बार, एनी वन हैज एन आइडिया अबाउट दिस? फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स आप लोग ने मुझसे पढ़ा है या किसी और से पढ़ा है, तो यू वुड नो। ठीक है, तो हाँ बेसिकली क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज अ सैंड बार। जैसे मान लो ये गल्फ एरिया है, ये गल्फ एरिया है, तो बहुत बार क्या होता है, डिपोजिशन स्टार्ट्स टू हैपन अक्रॉस द माउथ ऑफ दिस गल्फ, इज दैट क्लियर? तो इसको इनिशियली क्या कहते हैं, व्हाट इज, इफ आई जस्ट मेक दिस, व्हाट इज दिस लैंडफॉर्म नोन एज, जल्दी बताइए। वैशाली करंट के अलावा माई क्लास विच आई टेक इज ऑन प्लस, आई टेक ऑन प्लस, अनअकैडमी प्लस पे लेता हूँ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, एनवायरमेंट, ऑल कोर्सेज। तो दिस इज स्पिट, नहीं नहीं स्पिट नहीं पढ़ा आप लोगों ने फिजिकल ज्योग्राफी, जरूरत है पढ़ने के, अगर चाहते हैं पढ़ना कि क्या होता है ये स्पिट, वैसे मैं बता दूंगा, तो ज्वाइन करिए अनअकैडमी प्लस, ठीक है, और यूज करिए मेरा रेफरल कोड VCSIR टू गेट अ 10% डिस्काउंट, ठीक है। अभी जस्ट कोर्स खत्म हो रहा है वैसे फिजिकल ज्योग्राफी का, तो ये आपका स्पिट कहते हैं, व्हेन द स्पिट इंक्रीजेस इन साइज, और वो पूरा आपको यहाँ पे अगर बन जाए तो व्हाट इज इट कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड बैरियर या बे, देन इट इज कॉल्ड योर बे बैरियर या बार भी कहते हैं, बार भी कहते हैं, सैंड बार भी कहते हैं, इट इज कॉल्ड सैंड बार एज वेल। याद आ गया आप लोग को स्पिट, एंड ये आपका जीसी लॉन्ग में भी दिया हुआ है, दिस इज गिवन इन द जीसी लॉन्ग एज वेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आपका 250 से ऊपर ये आपकी हो गई है। फिर बैक्टीरिया बिहाइंड डेथ, ये तो यार फाइनली डिकोड हो गया, ये बहुत बड़ा यू नो हाँ, तो ये आपका याद है, हमने फोटो देखी थी, वेरी वेरी बैड फोटो वॉज सीन, जिसमें बहुत सारे 350 330 आपके डेड हो गए थे, ठीक है ना। राइट राइट, सो ये आप लोगों ने देखा था, है ना। सो व्हाट व्हाट वाज व्हाट वाज द रीजन एट दैट टाइम, किसी को पता था? चलिए ठीक है ना। तो उस समय एंथ्रैक्स की बात हो रही थी, बट पता नहीं चला था एग्जैक्टली, पता नहीं चला था उस समय एग्जैक्टली, अब बट फाइनली बैक्टीरिया है, राइट, बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया। सो टॉक्सिन्स इन वाटर प्रोड्यूस बाय साइनो बैक्टीरिया किल्ड मोर देन 330 एलिफेंट्स इन बॉस्फोनिया दिस ईयर, उसकी फोटो बड़ी साइड से आई थी। एंड द थिंग इज दैट ये साइनो बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स कॉमन इन दी योर वाटर एंड सॉइल में मिलते हैं, साइनो बैक्टीरिया बहुत आसानी से मिलते हैं, बट क्या हुआ कि सारे वेराइटी उसके टॉक्सिन नहीं निकलते हैं, बट कोई वेराइटीज आपके टॉक्सिक निकलने लग गए हैं। एंड वॉट हैज बीन सीन इज बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज की वजह से द अमाउंट ऑफ साइनोबैक्टीरियाज हैव इंक्रीज्ड एंड देयरफॉर द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो है आपके ये बढ़ गए हैं और ऐसे टॉक्सिक ज्यादा प्रोड्यूस होने लग गए हैं, इज दैट क्लियर? तो इस तो ये बताओ क्या कारण है एक्चुअली ये एलिफेंट के मरने का, इट इज ऑल ह्यूमन,
क्लाइमेट चेंज जो आपने एक्सेलरेट कर दिया है दैट इज ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ठीक है ना, राइट। सो ये है आपका। अच्छा बाय द वे गाइस, ये साइनोबैक्टीरियाज वगैरह एल्गी वगैरह ब्लूम कब करती हैं किसी भी वाटर बॉडी के अंदर, वाटर बॉडी के अंदर ये सब ब्लूम कब करती हैं, पढ़ा होगा, दिस इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन, है ना, यूट्रोफिकेशन, जब नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम वगैरह की फर्टिलाइजर्स वगैरह या फिर और किसी फॉर्म में वो आपके चले आते हैं तो इट प्रोड्यूसेस मोर एल्गी मोर साइनोबैक्टीरियाज वगैरह, तो न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट जब होता है दैट लीड्स टू दिस, एंड न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट क्यों होता है, पॉल्यूशन की वजह से, फैक्ट्री फर्टिलाइजर्स फलाना ढिकाना चीजें, ठीक है, एंड सीजन फिर टेम्परेचर राइज कर गया तो, ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस इज द रिजल्ट ऑफ योर क्लाइमेट चेंज इटसेल्फ। नेक्स्ट भाई आपके रघुराम राजन जो है, रघुराम राजन आर 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 राजस्थान रॉयल राजन, ठीक है, ओके, सो द फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन सजेस्टेड दैट द गवर्नमेंट शुड प्राइवेटाइज द सेलेक्ट पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड दे शुड सेट अप अ बैड बैंक। व्हाट इज बैड बैंक, किसी को पता है, ये बहुत समय से डिबेट में रहता है बैड बैंक का कॉन्सेप्ट, बैड बैंक क्या होता है, एनी आइडिया व्हाट इज अ बैड बैंक, कोई एक्सप्लेन कर सकता है कमेंट्स में, एनी आइडिया व्हाट इज अ बैड बैंक गाइस, बैड बैंक क्या होता है, इट इज लाइक एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है, इट्स लाइक अ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, राइट, और जो बेसिकली क्या करती है, विच बाइज वॉट, जो खरीद लेती है, विच बाइज द एनपीएस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, राइट, इट बाइज द एनपीएस फ्रॉम द कमर्शियल बैंक, इज दैट क्लियर, कमर्शियल बैंक से खरीद लेती है एनपीएस को, एंड देन इट योर ट्राइज टू रिकवर द मनी एज मच एज पॉसिबल। तो क्या होगा, जैसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट था फॉर वर्थ ऑफ 10 करोड़ रुपीज, तो उसको कुछ हो सकता है 5 करोड़ में ले लेगा, तो डिस्काउंटेड प्राइस पे द बैड बैंक विल बाय इट एंड विल ट्राई टू रिकवर से 6 करोड़ रुपीज आउट ऑफ इट, आप समझ पा रहे हो, सो इफेक्टिवली जो बैंक काम नहीं कर पा रहा है वो एक डेडिकेटेड बैंक काम करेगा, और डेडिकेटेड बैंक को एक ये है इंसेंटिव कि सस्ते में मिल गया हमको नॉन परफॉर्मिंग एसेट और हम जो है उसको शायद प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सके, इज दिस क्लियर, इज दिस लॉजिक समझ में आया, ये प्रपोज पता है कब हुआ था, दिस वाज प्रपोज्ड इन योर इकोनॉमिक सर्वे 2017 के एज द नेम ऑफ पैरा, पैरा व्हाट इज पैरा, पैरा का फुल फॉर्म इज पब्लिक सेक्टर रिहैबिलिटेशन एजेंसी, इज दैट क्लियर, ठीक है, पब्लिक सेक्टर रिहैबिलिटेशन एजेंसी, ओके, सो पब्लिक सेक्टर रिहैबिलिटेशन एजेंसी इज द सजेशन ऑफ द बैड बैंक, ठीक है ना, अरे वही तो बासु के अभी तो आपको समझाया मैंने आपको कि जो बैड बैंक है वो आपका खरीद खरीद लेगा आपके एट अ डिस्काउंटेड प्राइस फ्रॉम दी योर क्या कहते हैं उसको फ्रॉम दी कमर्शियल बैंक एंड देन विल ट्राई टू रिजॉल्व इट एज मच एज पॉसिबल एट अ प्रॉफिट, इज दैट क्लियर, ठीक है ना, ए फॉर एजेंसी, पब्लिक एजेंसी 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 ए जी एनसी पब्लिक सेक्टर रिहैबिलिटेशन एजेंसी, इज दैट क्लियर, राइट, तो ये है आपका, दिस इज द रैशनल बिहाइंड द पैरा, पी ए आर ए है, अच्छा अच्छा एक मिनट, पब्लिक सेक्टर एसेट, सॉरी एसेट 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 ये भूल गया बीच में, एसेट तो कुछ भूल गया, आई रिपीट इट वंस अगेन, पब्लिक सेक्टर एसेट, समझते ना, एसेट क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट रिहैबिलिटेशन एजेंसी, दिस इज पैरा, कूल, अगला, इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना डिप 28% इन अप्रैल टू अगस्त, सो चाइना से जो इंपोर्ट है वो कम हुए, ये हम पहले भी पढ़ चुके थे, ठीक है, ऑलराइट, एंड ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, व्हाट इज दैट पर्टिकुलर आइडिया, दैट आपकी चाइना से हमारा डेफिसिट कम हो गया है, ठीक है ना, डेफिसिट कम हो गया, डेफिसिट हैज रिड्यूस्ड, सो इंपोर्ट हैव रिड्यूस्ड 28%, देवश्री मतलब रिहैबिलिटेशन मतलब होता है उसको, उसकी रिकवरी करना, बैंक के जो खराब लोन्स है उनको रिकवर करना, इनको सबको हम लोग
ये क्यूमुलेटिवली कहते हैं रिहैबिलिटेशन ऑफ लोन्स, ठीक है ना, ओके, रिकवरी, बैंक रिकवरी वगैरह को मिलाकर के कहते हैं रिहैबिलिटेशन। तो इंडियाज इंपोर्ट टू चाइना डिक्लाइंड बाय 27% 28% राइट टू अराउंड 21.6 बिलियन बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट बहुत सारे हम लोगों ने देखा था दैट यू नो इम्पोर्ट्स हैव रिड्यूस्ड अगेंस्ट द आइडिया ऑफ यू नो एंटी चाइनीज सेंटिमेंट के कारण से, ठीक है ना, ओके। अच्छा, ये एक मिनिस्टर जो है हमारे कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल, उन्होंने बोला है कि देयर इज नो प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन फॉर द विड्रॉवल ऑफ द मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस टू चाइना। ये होता क्या है, व्हाट डज मोस्ट फेवर्ड नेशन मीन, हम कितने कंट्री को ये स्टेटस देते हैं, गेस कर सकते हो आप? लेट मी गिव यू ऑप्शन, लेस देन 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 अबव। लेट्स टू डू अ पोल, बहुत समय से हमने पोल नहीं किया है, मन कर रहा था पोल करने का मेरे को, बताइए हाउ मेनी कंट्रीज डू वी गिव दी मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस एज। नाम बड़ा मिसलीडिंग नहीं लगता है, देखो 12% लोग इसको सही बता पाए, ओनली 10% ऑफ यू गॉट द राइट आंसर, इसन दिस अ वेरी मिसलीडिंग टर्म मोस्ट फेवर्ड नेशन। अरे ऐसी कंट्री होंगी क्या यार, उनके दोस्त एकदम आ जाओ यार, भूटान अंकल आ जाओ तुम यार, एकदम जिगर जिगर के टुकड़े हो तुम हमारे, ठीक है, जिगर के टुकड़े कंट्रीज होंगी, नहीं, ठीक है, द थिंग इज नाम मिसलीडिंग है इसमें। तो देखिए आप, अमित ने सबसे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट सही किया, क्या बात है अमित, गोल्ड मेडल, वाह वाह वाह, गोल्ड मेडल मिल गया आपको, ठीक है। हर कंट्री को मिलता है ये स्टेटस अंडर WTO, अंडर WTO एवरी कंट्री इज टू बी गिवन दिस स्टेटस। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन मतलब होता है कि एवरी कंट्री इज इक्वली फेवर्ड, मोस्ट दैट इज मोस्ट फेवर्ड बिकॉज यू वॉन्ट टू प्रमोट ट्रेड। अब ये होता है कि कुछ कंट्रीज के साथ जिनके साथ ताल्लुकात बिगड़ते हैं उनके साथ इंडिया विड्रॉ कर लेता है मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस, जैसे पाकिस्तान से विड्रॉ कर लिया, इज दैट क्लियर। तो बाकी सब कंट्री के साथ होता है, तो अब ये बात हो रही है कि भाई ये जो स्टेटस है ये चाइना से हम विड्रॉ करें कि ना करें, इस टाइप की बात है। तो बोले कि नहीं, ऐसी कोई अभी बात डिस्कशन में नहीं है, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज इन डिस्कशन एज ऑफ नाउ, बट रेजिमेंटेड वे से अमाउंट ऑफ इम्पोर्ट्स हैव केप्ट ऑन रिड्यूसिंग, ठीक है। अच्छा अच्छा, बाय द वे गाइस, एक आपसे सवाल पूछूं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, एक वो सॉरी एक चीज बताना है गाइस, आज मैंने वैसे स्केड्यूल कर दिया था बट फिर मैंने उसको पोस्टपोन कर दिया है। आज जो है आपका मिडनाइट क्विज हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, माफ कर दीजिएगा, आज मुझे मैंने को पहले भूल ही गया कि मेरा बर्थडे है, तो मैंने स्केड्यूल भी कर दिया आपकी क्लास, फिर मैंने उसको सो टुमारो विल डू इट एट 11 AM, कल सुबह मेरी क्लास कोई है नहीं तो सुबह 11 बजे करेंगे, ठीक है ना, राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच नीतू, राइट, सो बेसिकली विल डू इट टुमारो मॉर्निंग, जो आज वाला है उसको कल सुबह करेंगे, कल का रात को तो हो गई होगा, तो कल दो क्विज होंगे, ठीक है ना। और वैसे भी आज आई थिंक बहुत लोगों ने ओवरलोड हो गया होगा क्विजेस से, ठीक है ना, तो क्विज आप लोग वैसे ही पूरे दिन मैराथन चली आज, तो आज आपके एक के बाद 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 एक, राइट, हाँ। तो क्लास हमारे 12 बजे, जस्ट 12 बजे खत्म करेंगे क्योंकि उसके बाद फिर कॉल आने लग जाएंगे। इनफैक्ट मैं गेस करता हूँ, देखिएगा, श्रेया शर्मा मैडम मुझे कॉल करेंगी या दीपांशु सर कॉल करेंगे आपके 12 बजने से दो मिनट पहले, दिस इज माई गेस, लेट्स सी। चलिए, ऑलराइट, सो लेट्स गो अहेड, अभी आगे बात करते हैं। BSNL, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर योर विशेस। BSNL रीवर्किंग 5G ट्रायल टू सूट न्यू नॉर्म्स, ठीक है ना, ओके, सो BSNL रीवर्किंग 5G ट्रायल्स टू, हाँ ये कर सकते हैं, अन अकेडमी वाला क्विज कर लें, कि आप लोग को इतना मन है क्विज करने का, तो आप लोग करते रहिएगा क्विज आराम से, जिनको क्विज करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू हरप्रिया दास, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड विशेज। हाँ एग्जैक्टली, मैं भी बताना था एक्चुअली, 23rd September तो आप लोग को पता ही होगा, आज ही पढ़ाया था मैंने, इनफैक्ट टुडे ओनली आई टॉट इन माई कोर्स, 23rd September इज दी आपका ऑटम इक्विनॉक्स, तो याद रहता है हमेशा, ठीक है ना। चलिए, सो योर BSNL इज रीवर्किंग 5G ट्रायल्स, यार मुझे पहले, मैं BSNL को, मेरी एक वो है, क्या कहते हैं, दरख्वास्त, बड़ा अच्छा टर्म लगता है ना, दरख्वास्त है, और उनका एक सजेशन है, भाई पहले 4G ले आओ, आई डोंट, BSNL में 3G चल रहा है यार, अभी भी कहाँ 4G नहीं लाया, 5G की बात करना शुरू कर दिया अंकल आपने, पहले आप
पहले 3G तो से 4G तो ग्रेजुएट करिए सीधे, नहीं हम जाएंगे सीधे 5G यार. टेलीकॉम टेलीकम्युनिकेशन हैज रेज्ड 8.5 थाउजेंड करोड़ रुपीज वाया बॉन्ड. तो बॉन्ड से इन्हें रेज किया एंड दे वांट टू डू द ट्रायल्स फॉर 5G. जैसे वही वैसे ही है, BS4 से BS6 नॉर्म्स में ग्रेजुएट कर रहे हैं जैसे, उसी टाइप से. ठीक है ना. सो आपका ये आ रही है बात. एंड ओके ये है आपका. ठीक है अब इस लेट्स सी हु डू हु डू दे पार्टनर विद इवेंचुअली. नवी ने वहां से कुछ शेयर किया. व्हाट हैज नवी शेयर्ड विद अस? ओ थैंक यू, थैंक यू सो मच. मुझे लगा कुछ आप 5G 5G के बारे में शेयर कर रहे हो. ओके नाउ लेट्स गो अहेड एंड लेट्स डू द एडिटोरियल्स. राइट, दो तीन अच्छे एडिटोरियल्स हैं उसमें जितना हो पाएगा, क्योंकि आज मुझे लगता है सारे नहीं हो पाएंगे. तो एक दो एडिटोरियल कर लेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग आगे उसके बाद बाकी करेंगे. ठीक है ये वाला करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बाकी सब तो ठीक है, दिस इज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल. ओके इंडिया एंड द अब्राहम रिकॉर्ड अकॉर्ड. व्हाट इज दिस अब्राहम अकॉर्ड्स? किस कॉन्टेक्स्ट में है ये अब्राहम रिकॉर्ड्स? जॉन अब्राहम नहीं करेगा बताइए. अब्राहम अकॉर्ड्स है इसराइल और यूएई के बीच में. इसराइल यूएई इन फिर बहरीन भी आ गया था. इसराइल यूएई इन बहरीन ने जाकर व्हाइट हाउस में ये साइन किया था. राइट, तो इसराइल फॉरे इन टू द गल्फ कुड डिस्टर्ब द पोलिटिकल इकोनॉमिक आर्किटेक्चर इंडिया इज बिल्ट विद द GCC. ठीक है व्हाइट हाउस में आपका ये सेरेमनी हुई थी जिसमें यूएई बहरीन के अच्छे टाइज और एटलीस्ट अच्छे तो क्या बोले, एटलीस्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टाइज की को फॉर्मलाइज किया गया था विद इजराइल. ठीक है अब देख टू न्यू फ्रेंडशिप निकल के आई है. सो द टू गल्फ कंट्रीज हैव दस जॉइंड योर इजिप्ट एंड जॉर्डन. ठीक है विच हैड देयर पीस ट्रीटीज विद इजराइल इन 1979 एंड 1994. तो 1979 में सबसे पहले हुआ था आपका द फर्स्ट अरेबिक कंट्री टू हैव अ डील अ डील और यू नो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद इजराइल. एंड देन 1994 में आपका हुआ था योर जॉर्डन. ठीक है ओके नहीं जीसीसी नहीं है इसमें रेडी, दिस इज नॉट जीसीसी एग्जैक्टली. जीसीसी आपका इज अ सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन. चलिए राइट. सो द टू गल्फ स्टेट्स हैव दस एंजॉयड ऑल्दो द फॉर्मली कमिटेड टू अरब कंसेंसस ओवर द टू टू स्टेट सॉल्यूशन ऑफ टू द फिलिस्तीन कॉज द टू कंट्रीज हैव यू नो मूव टुवर्ड्स हैविंग अ लिंक्स इन द रीसेंट टाइम्स विद इजराइल. तो ऐसा वाज दिस अनप्रेसिडेंटेड? ये बताइए आप, क्या ये तो दो कंट्रीज का जो रिलेशनशिप है ये अनप्रेसिडेंटेड था? एकदम झगड़ा कर रहे थे और एकदम से आकर के दोस्त हो गए? नहीं ऐसा नहीं था. देवर यू नो देवर नॉट एंटागोनिस्टिक्स. तो धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा था, इट वॉज ऑल बिल्डिंग अप टू दिस. ठीक है ओके एंड पीस फॉर पीस डील जिसको बोला जा रहा है. सो दे हैव अब्राहम अकॉर्ड को बोला भी जा रहा है पीस फॉर पीस डील. राइट, सो विदाउट एनी क्विड क्वो बाय इजराइल. ठीक है तो कोई क्विड प्रो क्वो की बात नहीं की गई है इसके अंदर. दे हैव एंटर्ड इन दिस पर्टिकुलर पीस फॉर पीस डील कि भैया कोई ऐसा है बस पीस चाहिए इसलिए हम डील कर रहे हैं पीस डील. समझ पा रहे हो डील का आइडिया कि क्योंकि हमको पीस चाहिए इसलिए कोई ये कर दोगे तो हम वो आपको ये करवा देंगे, ये कर दोगे तो वो करवा देंगे, ऐसी बात नहीं हो रही एग्जैक्टली. ठीक है बट एट द बैकड्रॉप ये सब जानते हैं कि इसराइल वेस्ट बैंक के अंदर अटैक ना करे, दैट इज वन ऑफ द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम इसराइल. लिखा नहीं हो बट इट इज एन अनसेड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम इसराइल की भैया अब तो वो सब आप मत करो. ठीक है ना सॉरी. नाउ अब ये है कि डज द बक स्टॉप्स हियर, मतलब इन द सेंस दैट क्या यूएई एंड बहरीन ही है सिर्फ जो अब ये डील करने वाले? नहीं, यू हैव सीन द रीसेंट टाइम्स योर टूनिशिया मोरक्को एंड अदर कंट्रीज सऊदी अरेबिया वगैरह जो हैं, राइट, वो सब भी आपके अप्रोच कर रहे हैं टूवर्ड्स योर इसराइल फॉर हैविंग सच डील्स. ठीक है राइट, इन ये जो कंट्रीज है ना, दीज कंट्रीज इफ यू सी दे आर मॉडर्न सोसाइटीज विच शेयर योर ओवर आर्किंग एंड योर इमीडिएट प्रायोरिटी टू पोस्ट पेंडेमिक इकोनॉमिक रिजरेक्शन. तो दे आर लुकिंग फॉर ऑल काइंड ऑफ पॉसिबल वेज इन विच दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट कुछ हैपन. ठीक है ना ओके. तो देयरफॉर विद दिस मॉडरेट अरब कंट्रीज आर लाइकली टू ज्वाइन इन दीज वेंचर्स. एनी बेसिन क्विड प्रो क्वो
का मतलब ये होता है कि मैंने तुम्हें ये दिया तो तुम मुझे ये दो, अदला बदली, मतलब बिकॉज मैंने तुमको ये काम दिया है तो ये चीज दी है तो तुम मुझे ये दो, क्विड प्रो को, समथिंग इन एक्सचेंज फॉर, दैट इज व्हाट इट मींस, ठीक है ना? नहीं कल छुट्टी नहीं है बासुकी, आज बस मिडनाइट वाली क्लास नहीं है, कल नॉर्मल क्लासेस होंगी, नॉर्मली रात में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना? अब देखिए ये है, अब ये सुनिए बाब ध्यान से, क्या इंडिया और जॉर्डन के बहुत ज्यादा इंटीग्रली एसोसिएशंस हैं? नहीं इतना नहीं है, नॉट सो मच, बट इंडिया यूएई के हैं, ठीक है ना? तो देयरफॉर नाउ इंडिया जब आपका मल्टी फेसेट है और इंगेज करता है गल्फ कंट्रीज के साथ, तो नाउ दीज एंगेजमेंट्स माइट क्रिएट न्यू चैलेंजेस फॉर इंडिया, इंडिया के लिए नए चैलेंजेस क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है ना? राइट, ओके, सो देयरफॉर द थिंग इज दैट इंडिया हैज टू बी अ वेरी नाउ टैक्टफुल, तो इंडिया की इस समय अगर आप जितने भी एक्सपर्ट्स की बात सुन लो, जितने भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, उनने एक चीज तो कंसिस्टेंटली बोल रखी है दैट दी इंडिया फॉरन पॉलिसी ऑफ गल्फ इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल, ठीक है? इंडियन फॉरन पॉलिसी ऑफ द गल्फ एरिया सपोज टू बी द मोस्ट सक्सेसफुल, क्योंकि दुश्मनों से आप दोस्त बन चुके हो, आप जितने दुश्मन है उनके भी दोस्त बन चुके हो, एंड डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स, ठीक है ना? ओके, अ लॉट ऑब्वियसली इज टू डू विद द इम्पोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल, तो उनको भी लगता है भाई मार्केट है इंडिया, दैट सो इट्स अगेन सब कुछ आपका कल को की लड़ाई ना हो जाए बस, राइट? सो नाउ व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑन इंडिया, लेट्स अंडरस्टैंड, जियो पोलिटिकल इंडिया हैज वेलकम द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन यूएई इजराइल, राइट? बिकॉज दोनों को इंडिया ने बोला है क्योंकि भाई आप दोनों हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, ओके? एंड इसराइल गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग होता है, जीसीसी, हैव यू हर्ड ऑफ दिस? अच्छा, हु आर द मेंबर्स इन जीसीसी, एनी आइडिया? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में कौन मेंबर्स हैं? गल्फ एरिया, पर्शियन गल्फ के अराउंड, बताइए व्हाट इज जीसीसी, व्हाट इज जीसीसी, है क्या जीसीसी, एनी आइडिया? यू हैव सऊदी अरेबिया, कतार, बहरीन, यूएई, ईरान नहीं है अभिषेक, यही तो बात है, ईरान एंड इराक के, ईरान और इराक नहीं है, इनफैक्ट जीसीसी वॉज फॉर्म्ड अगेंस्ट ईरान, आइडिया ऑफ जीसीसी वॉज टू कोऑपरेट अगेंस्ट ईरान, तो ये ईरान के होगा मेंबर, ठीक है? एंड दिस वॉज बाय द वे जस्ट टेलिंग यू गाइज, दिस वॉज द प्रिलिम्स क्वेश्चन, डिड यू गाइज नो दिस? ये 2016 का प्रिलिम्स क्वेश्चन था, ओमान एंड कुवैत, यस, फिर ओमान एंड कुवैत, ठीक है? तो ये 6 कंट्रीज मिला करके आपको जीसीसी बनाते हैं, एंड दिस वॉज अ प्रिलिम्स क्वेश्चन, प्रिलिम्स क्वेश्चन वॉज एज सिंपल एज दिस, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ योर जीसीसी, राइट? एंड उसमें ऑप्शन थे, इसमें ईरान वॉज वन ऑफ द ऑप्शन, एंड वही आंसर था, नहीं यमन भी नहीं है, यमन कहाँ आता है उस गल्फ में, पर्शियन गल्फ के अराउंड तो ओमान है ना, यमन तो इधर हो गया ना, रेड सी की तरफ हो गया यमन, तो वो नहीं आता उसके अंदर, ठीक है ना? ओके, सो अब ये इन जनरल इसराइल और गल्फ कंट्रीज जो है, ब्रेक थ्रू वाइडन्स द मॉडरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ द फिलिस्तीनियन डिस्प्यूट, तो ये जो जीसीसी है ना, दे आर मॉडरेट, ईरान वगैरह, ईरान टर्की वगैरह एक्सट्रीमिस्ट टाइप के हो चुके हैं, एंड थे भी, तो देयरफॉर वो इतने इतने ज्यादा ओपन नहीं है टुवर्ड्स हैविंग रिलेशनशिप विद विद इसराइल, ठीक है ना? ओके, राइट, बट नाउ क्या है, जो इसराइल और जीसीसी की टाइज हैं, जीसीसी में ये सब कंट्रीज आ गए ना आपके, जो इनके साथ बहरीन वगैरह सब मिला जुला के आप कह लो, तो नाउ दिस में प्रोवोक न्यू पोलराइजेशन बिटवीन जिहादी फ्रिंजेस एंड द मेन स्ट्रीम, समझ में आ रहा है? अब हो सकता है यार ये क्या कर दिया है, हाँ, क्यों तुम लोग जाके इसराइल से हाथ मिलाकर आ गए हो, अब हम करेंगे और आतंक, ठीक है? एंड देयरफॉर इंडिया विल हैव टू मॉनिटर एंड प्रिएम्प्टिवली असेस इट्स थ्रेट ऑफ यू नो सप्लाईज फ्रॉम योर गल्फ, दो तीन कारण से, बताइए क्या? पहली चीज, गल्फ कंट्री में इंडिया के कितने हैं पता होगा आपको, 8 मिलियन क्या है बताओ, वॉट इज 8 मिलियन गल्फ में, जल्दी जल्दी बताइए, वॉट इज 8 मिलियन इंडिया के, 8 मिलियन क्या है? हाँ, एक्सपैट्रियट्स, एनआरआई वगैरह, डायस्पोरा, एक्सपैट्रियट्स, डायस्पोरा, इज दैट क्लियर? तो 8 मिलियन लोग हैं जो इस एरिया में है भैया, वहां पे अगर आतंकी होने लग जाएगा इंडिया को, फिर उनको इवैक्यूएट करना पड़ेगा, ठीक है? दूसरा, व्हाट इज द सेकंड थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ट्रेड, वहां पे अगर एकदम कोई कुछ आपके आतंकी हमले होने लग जाएंगे, तो भाई ट्रेड डिस्टर्ब हो जाएगा, क्रूड ऑयल महंगा हो जाएगा, क्रूड ऑयल महंगा हो जाएगा तो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व जो इतना हमने बिल्डअप किया है वो
हमको हमको बेचना पड़ जाएगा, दैट विल हैव टू बी स्पेंट. इज दैट क्लियर? आर दीज थिंग्स क्लियर? ये सब इंटर रिलेशनशिप समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? राइट, ओके. राइट, चलिए, ओके. सर इराक का नेम क्यों नहीं आता है अब्राहम रिकॉर्ड्स में? नहीं, इराक और ईरान तो नहीं आते ना. इराक ईरान तो ये सबसे अलग रहते हैं. दे आर एंटी ईरान इसराइल, दे आर एंटी इसराइल कंप्लीटली. तो वो अब्राहम रिकॉर्ड वगैरह में आ ही नहीं सकते, ठीक है ना. पर इराक तो यार इस समय एक बहुत फेल्ड स्टेट सा हो चुका है, वो क्या ही करेगा पूरा. जब इराक इराकी वॉर के बाद से वो अपने आप को राइज कर ही कहाँ पाया है, आपको कहीं भी इराक नहीं सुनाई देगा. हाँ यस, सऊदी अरेबिया इज एमिकेबल. तभी तो ये बात हो रही है कि शायद अब कुछ दिनों में सऊदी अरेबिया भी इसराइल के साथ रिलेशनशिप बेटर करेगा, ठीक है ना. तो ये है. तो अब ये है कि इंडिया को जो है, अगर इसके जो फॉलो आउट होंगे इसराइल जीसीसी सिनर्जी के, उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा. एंड विल हैव टू इम्प्रूव आर यू नो डिफेंस कोऑपरेशन, सिक्योरिटी कोऑपरेशन, ओके. एंड जो गुड्स एंड सर्विसेज जो एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया में आकर के, दैट हैव टू बी बेसिकली सेफ गार्डेड. तो ये सब चीजें हैं, जैसे आप देख सकते हो, इसराइल हैज नीड स्ट्रेंथ इन डिफेंस सिक्योरिटी सर्विलेंस इक्विपमेंट एरिड फार्म सोलर पावर या हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स, राइट. एंड ये इंडिया के लिए काफी ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है. एंड आपके जीसीसी स्टेट के लिए भी योर इसराइल हैज पोटेंशियल टू सप्लाई ऑल ऑफ दिस थिंग्स, ठीक है ना. ओके, सो दिस इज द होल थिंग. बाकी तो इसमें और कुछ रेलिवेंट है नहीं, राइट. सो इंडिया को, इंडिया हैज टू बी वेरी विजिलेंट अबाउट दिस. इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो हमारे दोस्त हैं, इसराइल इज अ गुड फ्रेंड एंड योर यू नो ये बाकी जीसीसी कंट्रीज आर ऑल्सो गुड फ्रेंड, बिजनेस वाइज भी अच्छे फ्रेंड है. तो इंडिया कैन एक्चुअली हैव अ गुड यू नो आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद ऑल ऑफ दीज कंट्रीज एंड एक्सपोर्ट मोर फ्रॉम इंडिया. इंडिया इसमें एक्सपोर्टर बन सकता है और अच्छे से, ठीक है ना. राइट, तो ये है आपका, दिस इज अबाउट इट. एंड आज इतना ही रखते हैं, लेट्स कीप इट टू दिस मच. जो बचे हुए आर्टिकल्स हैं दो, एक है इंटरप्रेटिंग इंडिया चाइना कन्वर्सेशंस एंड अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर, विल डू इट टुमारो, यानी इसको कल करते हैं. राइट, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड विशेज ऑल ऑफ यू. राइट, एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू. एंड बाय द वे, इफ यू गाइज आर न्यू टू आवर सेशंस, सो द टेलीग्राम ग्रुप लिंक इज पिन्ड ऑन द टॉप, यू कैन क्लिक ऑन दैट and you can join our telegram group, theek hai na. All right, thank you so much all of you for your kind wishes. ab aapki sari jo kind wishes hai uske liye bahut 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 thanks sir. One subject ka, there is no one subject subscription. So guys, subscription is complete, so you get access to all courses, all educators, all test series, everything is combined available, theek hai. You can join for 1 month, 3 months, 6 months, 12 months or 24 months. That is up to you. So, आप join कर सकते हो 1 month के लिए, 3 months के लिए, 6 months के लिए, 12 months के लिए, या फिर even for 24 months. But you get access to all the educators, all the courses. ठीक है ना, regardless. अरे भाई, बिल्कुल 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 यार, आप सब लोग बिल्कुल IAS बनिएगा, 100% IAS बनेगा आप लोग. Right? Thank you so much guys, thank you so much for your kind wishes all of you. I hope all of you I hope all of you get to reach your dreams, theek hai na. Right, thank you so much guys, thank you so much all of you, and kal see you guys tomorrow. Aaj kal milte hain subah. By the way guys, tomorrow 11 a.m. pe we'll have the quiz, so I'll share the link tomorrow morning itself. 11 baje subah rakha hai quiz, right. कल थोड़ा एक दिन मुझे सो लेने दो, कल एक ही दिन तो है जब 8 बजे क्लास नहीं है मेरी बहुत दिनों के बाद, ठीक है. तो 11 बजे रखेंगे, एंड रात को तो क्लास होगी हमारी जो नॉर्मली होती है. ऑल्सो 24th को गाइज अनाउंसमेंट है, 24th को दी स्ट्रेटेजी कोर्स इज देयर, 3 सेशन स्ट्रेटेजी स्पेशल सेशन, ठीक है ना. तो आप लोग को आई होप पता होगा दैट 2021-2022 के लिए आपका स्ट्रेटेजी जो है वो कैसी होनी चाहिए, उसका स्पेशल सेशन रखा है. दैट इज एट 10 AM. Day after tomorrow, 24th को, मतलब 24 तारीख को
24 तारीख को है वो, 24th हो गई, ऑल ऑफ यू लिसन, फ्री सेशन 24th सितंबर 10 AM स्पेशल क्लास ऑन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म इटसेल्फ, राइट, एंड इट्स गोना बी अ फ्री क्लास. तो हाँ नेहा, आज क्विज नहीं, आज यार बर्थडे मना लें दो, मेरे को कॉल आ जाएंगे एक के बाद एक, एटलीस्ट दैट इज व्हाट आई होप. नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, सो जाएंगे अपना हम चुपचाप दुखी होकर के. चलिए ऑलराइट गाइस, बाय बाय. हाँ यार वो जो ज्योग्राफी क्लास है ना, वो कल एक्चुअली अनअकैडमी ने बताया कि सुबह की सुबह हो नहीं पाएगी बिकॉज सम अदर कोर्स वॉज क्लैशिंग. तो 24th को 8 AM वो लास्ट क्लास है ज्योग्राफी कोर्स का प्लस के ऊपर, ठीक है ना. चलिए थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, सी यू गाइस टुमारो.